हेलो गाइज, आई एम विनयकुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी। सो गाइज, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ग्लैंड एंड हार्मोन्स। ओके, तो व्हाट इज ग्लैंड एंड हार्मोन्स एंड स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम। सो यहाँ पे हम देखते हैं ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड क्या होता है, नहीं ग्लैंड तो सब लोग जानते हैं ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड के द्वारा हार्मोन्स एंजाइम जिसका सिक्रेशन होता है। लेकिन ग्लैंड क्या होता है कि सम ऑर्गन्स इज मेक अ केमिकल सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी दैट इज कॉल्ड अ ग्लैंड। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थ या फिर केमिकल सब्सटेंस में आते हैं। कहाँ? ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में। उसे क्या कहते हैं? हम ग्लैंड कहते हैं। ओके, सो आप लोग के लिए क्लियर हो गया होगा ग्लैंड किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ग्लैंड को। ओके, तो ग्लैंड के द्वारा हम क्या बनाता है ह्यूमन बॉडी में, ग्लैंड क्या बनाता है? जूस बनाता है, एंजाइम बनाता है, हार्मोन्स बनाता है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जो ग्लैंड हमारा जूस और एंजाइम को बनाए, सिंपल सी बात हम समझते हैं कि जो ग्लैंड हमारा जूस और एंजाइम को बनाए उसे हम क्या कहते हैं? एक्जोक्राइन ग्लैंड। एंड जो ग्लैंड हमारा हार्मोन्स को बनाए उसे हम क्या कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, एक्जोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। जो जूस और एंजाइम को बनाए उसे क्या कहते हैं? एक्जोक्राइन ग्लैंड। एंड जो हार्मोन्स को बनाए उसे क्या कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, और जो इन सबको बनाए, मतलब जूस, एंजाइम और हार्मोन्स, ये जो तीनों को बनाए, जैसे पैनक्रियाज। ओके, जैसे पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या करता है? इन सब को बनाता है। एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ आप लोगों को, एग्जांपल पैनक्रियाज। ओके, ये क्या करता है? ये मिक्स हार्मोन्स, इसको मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं पैनक्रियाज को। ये क्या करता है? ये जूस, हार्मोन्स, एंजाइम सब कुछ बनाता है, तो इसीलिए इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने कि ग्लैंड किसे कहते हैं। अब इसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, आइए यहाँ पे समझते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इसे एक मिनट क्लियर कर देते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि अब इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है हमारी कितने टाइप की होती है। इंडोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग बता सकते हो? अंतःस्रावी ग्रंथ। और एक जो क्या कहते हैं? बहिःस्रावी ग्रंथ। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो टाइप ऑफ, कितने टाइप की होती है जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, वो कितने टाइप की होती है? ये टोटली 9 टाइप की होती है, 9 टाइप। ओके, ये टोटली 9 टाइप की होती है। पहला क्या है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। दूसरा क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरा क्या है? पीनियल बॉडी ग्लैंड। ओके, और चौथा क्या है? थायराइड ग्लैंड। पांचवा क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड। और जो है यहाँ पे थाइमस ग्लैंड। छठा पैनक्रियाज। सातवां और आठवां क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड एंड गोनाड्स। नौवां। ओके गाइस, इसको हम फास्ट, थोड़ा सा वीडियो था फास्ट करने के लिए मैं इसको पहले से ही लिख के रखा हूँ, सो जिसे आप लोगों को क्लियर हो सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हाइप में इन सब जो टोटल ग्लैंड है इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो यहाँ पहला देखते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जिसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ब्रेन में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ब्रेन में होती है। पीनियल बॉडी ग्लैंड, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ब्रेन में होती है। अब नीचे देखते हैं थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? थोरैसिक, गले में। ये जो कंट होता है, जहाँ से आप, ये जो ऊंचा सा होता है गले के जस्ट पॉइंटेड बीच में, यहाँ पे होती है, ठीक है, गले में। और थाइमस ग्लैंड, इसकी जो कहाँ पे होती है लोकेशन? चेस्ट में। ओके, पैनक्रियाज, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? एब्डोमिनल कैविटी। एड्रेनल ग्लैंड, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? किडनी। गोनाड्स, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? बिलो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के जस्ट नीचे। इसको लैंगिक जननग्रंथि भी कहते हैं। क्लियर। सो गाइस, यहाँ पे हम आज देखते हैं कि इन सब में क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इंडोक्राइन में, जो स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो इसमें हम सबसे बड़ी बात ये जानते हैं कि अगर पहली बात की अधिकांश एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवर अ स्मॉल ग्लैंड इन द बॉडी, ओवर ऑल लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये सब क्वेश्चन टोटली ये जो है अधिक से अधिक इंट्रेंस एग्जामों में या फिर किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसमें पूछा जाता है, किसी भी नीट के एग्जाम में भी, अदर गेट के एग्जाम में भी, ये सब टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में। ओके, तो क्या हो सकता है ओवरऑल स्मॉल, ओवरऑल लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी क्या हो सकता है, क्या आइडिया आप लोगों को? ओवरऑल नॉट टोटल, चाहे एक्जो चाहे इंडो, टोटल पूरे बॉडी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लीवर होता है, ठीक है,
कि ओवरऑल की बात करें तो ठीक है, ओवरऑल लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, अगर ये ओवरऑल पूरे बॉडी की बात करें तो लीवर होता है, बट अगर इंडोक्राइन की टोटली आपकी बात करें तो यहाँ पे कौन सी हो सकती है, थायराइड ग्लैंड। ये क्या होती है, थायराइड ग्लैंड जो हमारी है ये क्या है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या है, थायराइड ग्लैंड जो होती है इंडोक्राइन ग्लैंड में, ये क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ये ओवरऑल नहीं है यहाँ पे, बस केवल इंडोक्राइन की बात स्पेशली मैं अब कर रहा हूँ। और इसमें स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, पीनियल बॉडी ग्लैंड। ये क्या होती है, ये आपकी स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। ओके, और बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, बट ये जो पीनियल बॉडी ग्लैंड से मटर के दाने के बराबर बड़ी होती है। ओके, मटर के दाने के बराबर ये बड़ी होती है, इसीलिए इसे सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड के नाम से जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। ओके, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ओके, पीयूष ग्रंथ। ठीक है, एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड। ओके, सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, थायराइड ग्लैंड सबसे लार्ज ग्लैंड कौन सी हो गई, लार्जेस्ट में थायराइड हो गई। ओके, और स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होगी, पीनियल बॉडी ग्लैंड होगी। और जो है ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी हो गई, वो हो गई पीयूष ग्लैंड, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, आगे देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम आप लोगों को बता देते हैं अभी, कि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी, वो क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के यहाँ पे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। यहाँ पे मैं लिख दूँ या हो जाएगा नहीं, चलिए आगे मैं एक पॉइंटेड वाइट करके बता दूंगा आप लोगों को। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, मैं क्यों कहते हैं ये मैं बताऊंगा। और हाइपोथैलेमस को ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर या सुपर मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं, इसके बारे में आप लोग बताऊंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, कहीं भी स्पेस देख के इसको हम कहते हैं, कहाँ लिख दूँ, यहाँ नहीं, आगे देखता हूँ। तो क्यों कहते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, ये किसको जो है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये सेवन ग्लैंड को सिग्नल देती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी, ये किसको सिग्नल देती है, सेवन ग्लैंड, सात ग्लैंड को ये कंट्रोल करती है और इनको सिग्नल देती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ओके, एंड देन जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है हम लोगों का, इसको हम क्या कहते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पिट्यूटरी होती है सेवन ग्लैंड को सिग्नल देती है, बट हाइपोथैलेमस जो होता है वो डायरेक्टली पिट्यूटरी को सिग्नल देता है। ओके, इसीलिए इसे सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी को ही कंट्रोल कर लेता है, जो सेवन ग्लैंड को खुद कंट्रोल करती है, मास्टर ग्लैंड होती है उसे ही कंट्रोल करता है। ओके, क्लियर। सो आगे हम देखते हैं, आइए आप लोगों के साथ क्लियर भी हो गया होगा। सो गाइज प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर वॉचिंग माई न्यू वीडियो। हाँ, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, एक मिनट, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि एग्ज़ाम में जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकांशतः, जो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर जो भी हम प्रिपरेशन तय करते हैं, जैसे कि नीट का एग्ज़ाम हो गया और आप गेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इन सब एग्ज़ाम में जो अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडोक्राइन सिस्टम से, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर पहला मैं डालता हूँ क्वेश्चन कि मास्टर ग्लैंड पूछता है, पहला क्या है, मास्टर ग्लैंड। किसे कहते हैं, ओके, तो मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को, मैं पहले बता चुका था आप लोगों को। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को।
मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंड सुपर मास्टर ग्लैंड एंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? वन मिनट, सुपर मास्टर ग्लैंड एंड मास्टर ऑफ मास्टर, हाँ सुपर मास्टर 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 ग्लैंड किसे कहते हैं? सो मैंने आप लोगों को बताया था हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये एंट्रेंस एग्जाम की बहुत ही बार आने वाली क्वेश्चन है, अधिकांशली इन सब क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, अधिकांशली इन सब क्वेश्चन आते आते रहते हैं। सो क्लियर, ओके। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जहाँ तक हम, तो थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी, बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड, ओके। थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी या बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड, बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड, इन सब के बारे में जो टोटल इंडोक्राइन ग्लैंड है मैं अपने अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अपने अगले वीडियो में इसको पूरे एक एक जो यहाँ पे जो पार्ट है उसको डिस्क्राइब करूंगा, ओके गाइस। इसमें बस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं जो एग्जाम पूछे जाते हैं इसमें नॉर्मली जानकारी मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ, नॉर्मली बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखते हैं थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर की तीसरी आँख, या फिर क्या बोल सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड मतलब जैविक घड़ी जो होती है, ठीक है, किसे कहते हैं? पीनियल ग्लैंड को। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीनियल ग्लैंड को एटलीस्ट लास्ट देखते हैं इमरजेंसी ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड मतलब आपातकालीन ग्रंथ, अधिकांश ही पूछता है ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में। इमरजेंसी ग्लैंड एंड बॉडी गार्ड ग्लैंड, बॉडी गार्ड ग्लैंड, थ्री एफ ग्लैंड, फोरियस ग्लैंड, ये सब नाम पूछता है वो, डू आर डाई सॉरी ये डू लिखा हुआ है, डू आर डाई और सेविंग ग्लैंड, सेविंग ग्लैंड, ये सब टोटली किसको कहते हैं? इमरजेंसी मतलब आपातकालीन ग्लैंड, बॉडी गार्ड ग्लैंड, ओके, थ्री ऑफ ग्लैंड, फोर ईयर ग्लैंड, डू आर डाई करो या मरो, सेविंग ग्लैंड, ये सब टोटली किसको हम कहते हैं? एड्रेनल ग्लैंड को, एड्रेनल ग्लैंड को, ओके, किसको कहते हैं? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नीचे, ओके क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू फॉर एंड मैं अदर जो इसके पॉइंटेड है मतलब टोटली जो इंडोक्राइन सिस्टम के जो एक एक करके टोटल पॉइंट है उसको मैं एटलीस्ट अगली वीडियो में अपने शो करूँगा, पूरे को टोटल मैं डिस्क्राइब करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।